डॉक्टर सेलेस्टियल मार्वल यूनिवर्स के काफ़ी पावरफुल करेक्टर है, जिनकी अपेयरेंस हमें कॉमिक्स के बाद एमसीयू यूनिवर्स में भी देखने को मिल चुकी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इनकी बैटल कराने वाले हैं बेंटन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल करेक्टर के साथ, यानी कि एलियन एक्स के साथ। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि मार्वल का सेलेस्टियल और बेंटन यूनिवर्स का एलियन एक्स, इन दोनों करेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनके ओरिजिन और पावर एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के सेलेस्टियल के बारे में। तो अभी एमसीयू में इनके ओरिजिन के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि जितने भी यूनिवर्स हमें देखने को मिले हैं मार्वल में, वो सारे के सारे सेलेस्टियल्स ने ही बनाए थे। और जब भी एक सेलेस्टियल का जन्म होता है, उस टाइम पे वो सेलेस्टियल पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है और बाद में एक न्यू यूनिवर्स की स्टार्टिंग करता है। अब बात करें एलियन एक्स के ओरिजिन के बारे में, तो बेंटन यूनिवर्स में सेलेस्टियल सेपियंस नाम की स्पीशीज मौजूद है, जिनका डीएनए बेंटन की ओमनीट्रिक्स में था। और ओमनीट्रिक्स का यूज करके बेंटन एलियन एक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है। और ये था इन दोनों करेक्टर का ओरिजिन। अब बात करते हैं इनकी पावर एबिलिटीज के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं मार्वल यूनिवर्स के सेलेस्टियल्स के बारे में। तो देखो गाइस, एक सेलेस्टियल सेपियन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि इजीली जो है ये किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें मार्वल यूनिवर्स में देखने को भी मिल चुका है। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में ये बात भी हमें एक्सप्लेन की गई है कि सेलेस्टियल्स को खत्म किया जा सकता है, यानी कि एक सेलेस्टियल सेपियन को इजीली मारा जा सकता है। और ये चीज हमें इंटरनल्स मूवी में भी देखने को मिली थी, जहाँ 6 इंटरनल्स ने मिलकर सेलेस्टियल सेपियन को खत्म कर दिया था, जिसके बाद अरिशेम काफी ज्यादा नाराज भी हो गया था, जो कि एक काफी पावरफुल सेलेस्टियल है जिन्होंने इंटरनल्स को क्रिएट किया था। अब बात करें एलियन एक्स की पावर एबिलिटीज के बारे में, तो एलियन एक्स के पास काफी ज्यादा पावर है। ये चाहे तो इजीली किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक साथ कई सारे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, जो कि हमें बेंटन ओमनीवर्स में देखने को भी मिला था कि एलियन एक्स ने अपनी कुछ परसेंट पावर का ही यूज करके पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। और बेंटन के यूनिवर्स में ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि एक सेलेस्टियल सेपियन को मारा नहीं जा सकता, यानी कि उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब इनकी वीकनेस के बारे में बात करें, तो बेंटन के एलियन एक्स की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि बेंटन को उसकी पावर यूज करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि सेलेस्टियल्स की जो वीकनेस है वो ये है कि इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और इनको मारा भी जा सकता है। तो इन दोनों करेक्टर की पावर एबिलिटीज और सारी डिटेल जानने के बाद अब बात करते हैं कि इन दोनों करेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस बैटल का विनर होगा। तो मार्वल यूनिवर्स में सेलेस्टियल जो है वो काफी पावरफुल करेक्टर है, लेकिन अगर हम लोग उसे एलियन एक्स के साथ कंपेयर करें तो एलियन एक्स का जो पावर लेवल है वो सेलेस्टियल्स के मुकाबले काफी ज्यादा है, और एलियन एक्स अगर चाहे तो वो सेलेस्टियल्स को मार भी सकता है। तो मेरे हिसाब से एलियन एक्स जो है सेलेस्टियल से ज्यादा पावरफुल है और इस बैटल को वही जीतेगा। लेकिन अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है इन दोनों करेक्टर में कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस बैटल का विनर होगा। क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के जितने भी फैंस हैं हमारे चैनल पे, वो सारे के सारे यही बात बोलेंगे कि सेलेस्टियल ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने आप लोग को वीडियो में हर एक डिटेल प्रोवाइड कराई है, जिसके बेसिस पे आप लोग इन दोनों में से इजिली विनर को चूज कर सकते हो। तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।